हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास। मैं भी बढ़िया और फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाम ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि ये वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इन होल ऑफ योर सिलेबस। क्लियर? इसका नाम है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो 1872 का है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक्ट है, ये 1872 का है और हमारी तो इंडिपेंडेंस हुई है कब? 1947 में। यस, तो इसका मतलब क्या ये बिफोर इंडिपेंडेंस है? यस, ये बिफोर इंडिपेंडेंस है। और कब एप्लीकेबल हुआ था? ये एप्लीकेबल हुआ था बच्चों 1 सितंबर 1872। अप्लाई हुआ था कब? 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट आप पर लागू हुआ था। क्लियर? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया था कि ये लगा दिया जाए। एंड मोस्ट ऑफ द एक्ट्स वर कॉपीड एंड आर कॉपीड राइट नाउ। बहुत सारे एक्ट आपके कॉपीड है ब्रिटिश लॉ से ही। क्लियर? चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डेली रूटीन में बच्चों आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जाने अनजाने, आपको पता नहीं रहता है बट आप कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाते हैं, परचेज करते हैं, यस, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस। आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस। आप कोई शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां से कुछ सामान परचेज करते हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस। क्लियर? अच्छा सर, हमें तो पता ही नहीं, इतनी सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने कर दिए, हमें तो पता ही नहीं। चलिए इसी चीजों को समझने के लिए आज आपकी ये क्लास हम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट डू मीन बाय एन एग्रीमेंट। आज हम केवल दो चीजों को समझेंगे बच्चों, जो कि बेसिक है इस टॉपिक को समझने के लिए। अगर आप वो दो चीजें समझ लेते हैं तो यस, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम पानी की तरह से तैरेगा और आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये तो आपको मैंने बता दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन करता है, डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 2H में। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़े, कोई भी सेक्शन पढ़े, तो आपको सेक्शन अगर आता है तो ही एग्जाम में लिखिए, नहीं आता है तो नहीं लिखिए। क्लियर? सिंपल बातें में लिख दीजिए, एक्सेप्टेबल है। कह रहे हैं सेक्शन 2H, क्या कहता है? एच एच मतलब स्मॉल एच। स्मॉल एच कौन सा? एच फॉर हैंड। ध्यान रखिएगा सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 2 याद करने की नीड है? देर इज नो नीड। डेफिनेशन क्लोज रहता है आपका, डेफिनेशंस में आपका हमेशा सेक्शन 2 रहता है। तो सेक्शन 2H क्या कहता है? अनग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ध्यान सुनिएगा बच्चों, अनग्रीमेंट अनफोर्सिबल बाय लॉ, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमको इन दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहले क्या चीजों को समझना पड़ेगा? इन दो बातों को पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या? एग्रीमेंट एंड दूसरा इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। फर्स्ट इज अग्रीमेंट, अदर इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अभी अग्रीमेंट क्या है सर और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है, ध्यान से समझिएगा। अग्रीमेंट वी कैन से ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या सर, क्या कहे जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बच्चों, इसी के लिए तो बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जैसे आप ये देख रहे हैं, अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं आपके सारे डाउट्स कि क्या 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 अग्रीमेंट है और क्या 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 ऑफर है। अग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मैंने आपको बोला कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए इन दो बातों को समझना पड़ेगा, किस किस को? अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब ये अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब ये क्या है? चलिए बच्चों इसी बात को पहले हम समझते हैं विद एन एग्जाम्पल कि व्हाट डू मीन बाय एन ऑफर, व्हाट डू मीन बाय एन एक्सेप्टेंस। क्लियर?
चलिए अरे फटाफट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस। जब तक ये समझेंगे तब तक ही हम आगे चीजों को समझ पाएंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये क्या होता है आपका, ये होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। व्हाट डू मीन बाय एन ऑफर एंड व्हाट डू मीन बाय एन एक्सेप्टेंस। ऑफर जो होता है बच्चों, किसी भी बात के लिए कोई भी प्रपोजल देना, इट विल बी कॉल्ड एज एन ऑफर। जैसे आप कह देते हैं क्या आज मेरे साथ मूवीज चलेंगे, आप अपने फ्रेंड को कह देते हैं। मिस्टर आर जो है, मिस्टर आर रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण से कह देते हैं क्या क्या आज शाम को मूवी देखने के लिए चलेंगे, दीपिका पादुकोण कह देती है यस। रणवीर सिंह ने दीपिका से पूछा क्या क्या आज मूवी देखने चलेंगे, उन्होंने दिया ऑफर, क्या आप ये काम करेंगे, क्या आप ये काम करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एन ऑफर। किसी भी प्रपोजल देना, कोई भी प्रपोजल देना, दैट विल बी कॉल्ड एज एन ऑफर। लेकिन नेक्स्ट पर्सन जिसको ऑफर दिया गया, दीपिका पादुकोण ने कहा यस, जैसी उन्होंने कहा यस, इट बिकम्स एन इट इज एन एक्सेप्टेंस। और जब ये एक्सेप्टेंस हो गया, दोनों बातें हो गई कंप्लीट। पहली हो गई ऑफर, ऑफर दिया किसने, रणवीर सिंह ने। दीपिका पादुकोण ने क्या कहा, एक्सेप्टेंस। जैसी एक्सेप्टेंस हो गई, नाउ ये क्या बन गया बच्चों, अग्रीमेंट। ये क्या बन गया, अग्रीमेंट। सिंपल कंसेप्ट समझिए, धीरे 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 चीजों को अच्छे से लेकर आएंगे। फर्स्ट अब ध्यान से सुनिए, एक अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं बच्चों के साथ बहुत डिस्कस करता हूं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पास होते हैं, बहुत सारे मार्क्स लेकर आते हैं। जब वो बहुत सारे मार्क्स लेकर आते हैं तो बात करते हैं, सर पार्टी की जाए आज। मैं कहता हूं चलिए पार्टी की जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक होटल बुक करते हैं, क्लियर। वहां पर बैंक्वेट हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और मुझे बात करते हैं कि सर शाम को 8 बजे का प्रोग्राम रखते हैं। ठीक है, मेरे से बात किया कि शाम को 8 बजे का प्रोग्राम रखते हैं। उससे पहले उन्होंने क्या पूछा, सर विल यू अटेंड माई डिनर पार्टी। ध्यान से, कई स्टूडेंट ने पूछा विल यू अटेंड माई सक्सेस पार्टी। भी कैन से सक्सेस होती है तभी बच्चे पार्टी देते ना, ऐसे तो कोई पार्टी नहीं देता। चलिए विल यू अटेंड माई सक्सेस पार्टी। सक्सेस पार्टी किस चीज की, सी ए बन गया, सी एस बन गया, सी एम ए बन गया, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बन गया, तीनों भी बन गया। विल यू अटेंड माई सक्सेस पार्टी, कोई स्टूडेंट मुझसे बात करता है, ठीक है, मैं उसको कह देता हूँ यस। सपन जेमिनी उसको कह देता है यस। बच्चों मैंने उसको कह दिया यस, क्या ये अग्रीमेंट है, सिंपल शब्दों में बात पूछ रहे हैं, क्या ये अग्रीमेंट है। आंसर इज बिल्कुल है सर, टू एलिमेंट्स आर कंप्लीटेड हियर। फर्स्ट इज ऑफर, स्टूडेंट ने ऑफर किया विल यू अटेंड माय सक्सेस पार्टी, यस। और मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, यस आई विल अटेंड योर सक्सेस पार्टी। मैंने बोला आई विल अटेंड योर सक्सेस पार्टी, मैं आपकी पार्टी को अटेंड करूंगा 100%। मैंने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस। जैसे ही मैंने एक्सेप्टेंस दे दी तो वो क्या बन गया बच्चों, वो बन गया आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। वो क्या बन गया आपका, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आपका क्या बन गया, अग्रीमेंट। सिंपल, अग्रीमेंट क्लियर, यस। अग्रीमेंट में इतनी ही बात होती है, यस ऑफर दिया, उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज एन अग्रीमेंट। लेकिन इसके आगे एक चीज और है,
हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिएगा, अन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। अग्रीमेंट तो हमने पढ़ लिया, अग्रीमेंट क्या, ऑफर दिया और एक्सेप्टेंस दे दिया, इट विल बी कॉल्ड एज एन अग्रीमेंट। क्लियर। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे अग्रीमेंट हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हम लोग करते हैं। जैसे हम अपनी मदर से पूछते हैं, मम्मी क्या आज मेरे लिए शाम को राजमा चावल बनाएंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट लाइक्स राजमा चावल नॉर्मली, ठीक है। मम्मी ने कहा यस, मैंने ऑफर किया, क्या आप मेरे लिए राजमा चावल बनाएंगे। मम्मी ने कहा यस। जैसे ही ऑफर किया और वो एक्सेप्टेंस बाय मम्मी हो गया, देन इट विल बी कॉल्ड एन अग्रीमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं, अच्छे से क्लियर कि सर अग्रीमेंट का मतलब क्या है। ऑफर दिया, उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया, देन इट विल बी कॉल्ड एज अग्रीमेंट। क्लियर। लेकिन हमें समझना है बच्चों एक पॉइंट और, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। हम बात कर रहे हैं अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट वो तभी बनेगा जब ये दोनों बातें कंप्लीट होंगी, क्योंकि लिखा हुआ है डेफिनेशन में भी अन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और अग्रीमेंट क्या होगा, ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस विल बी कॉल्ड एज एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्लियर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसके साथ में अगर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ और एड हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, ये श्योरली इट विल बिकम एन कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको समझते बच्चों, ये एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है, ध्यान से दीजिएगा, पूरा कंसंट्रेशन अपना दीजिएगा 100%। क्या कहा, उसी एग्जांपल पर आते हैं हम। हमने बात किया एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मीन्स क्या होता है, मेनली एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का क्या मतलब, वी कैन से इन ए सिंपल टर्म, वी हैव लीगल रेमेडी। अगर कोई पर्सन के साथ अग्रीमेंट किया और उस पर्सन ने वो कंप्लीट नहीं किया, उस पर्सन ने वो अग्रीमेंट को पूरा नहीं किया, तो हम अगर उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम अगर उसको कोर्ट लेकर जा सकते हैं तो ये कोर्ट ले जाना ही कहा जाता है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसके ऊपर स्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं, यस इट ऑल विल कॉल्ड ए एनफोर्सिबिलिटी। क्या बोला जाता है इस चीज को, एनफोर्सिबिलिटी बोला जाता है। क्या, यू कैन स्यू एनी पर्सन, आप किसी भी पर्सन को स्यू कर सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली यू आर हैविंग ए लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी आपके पास अवेलेबल है। क्या है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल से ही क्लियर करते हैं आज। क्या कहते हैं, मैंने बात किया, अग्रीमेंट क्या था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। रणवीर सिंह ने, ये थे आपके मिस्टर रणवीर सिंह, जानते ही ना आप, सब जानते हैं। रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण से पूछा था, क्या आप मूवी के लिए चलेंगे। दीपिका पादुकोण ने कहा यस। एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज देयर, 100% ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज देयर। लेकिन मैंने आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, अगर दीपिका पादुकोण इवनिंग में मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, हम मूवी देखने नहीं जा रहे, मेरा मूड नहीं है, क्या रणवीर सिंह दीपिका को स्यू कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। श्योरली आपका आंसर होगा बच्चों क्या, श्योरली आपका आंसर होगा नो। क्लियर। तो ये क्या हुआ, एनफोर्सिबिलिटी हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई सर, तो ये क्या रह गया, केवल अग्रीमेंट। आपके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है, यू कांट सू अदर पर्सन, तो आप केवल अग्रीमेंट तक ही सीमित हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल,
मैंने बात किया था, मेरा स्टूडेंट ने सक्सेस पार्टी दी और मुझे बुलाया, मैंने पहले किया यस और मैं सक्सेस पार्टी में किसी भी वजह से नहीं पहुंच पाया, तो क्या स्टूडेंट मुझ पर केस कर देगा? क्या स्टूडेंट मुझ पर केस कर देगा? आंसर इज नो। क्या उसके पास ऐसी कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है? आप मेरी पार्टी में नहीं आए, मेरा लाखों रुपए लग गया, आपकी वजह से मैंने पार्टी की थी, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वो क्या रह जाएगा बच्चों? वो रह जाएगा केवल और केवल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तक खत्म हो जाएगा। मतलब वो क्या रह जाएगा आपका? केवल अग्रीमेंट उस केस में रह जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर? अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मेरे साथ बोलेगा बच्चों तभी क्लियर होगा, अच्छे से कनेक्ट रहेंगे तभी हम समझ पाएंगे। अग्रीमेंट, मैंने दिया ऑफर, दूसरे बंदे ने क्या दिया? एक्सेप्टेंस, तो वो क्या बन गया? अग्रीमेंट। मैंने दिया ऑफर, ऑफर क्या दिया? विल यू परचेज माई पेन, मैंने कहा विल यू परचेज माई पेन, आपने कहा एक्सेप्टेंस, यस, आपने कहा यस, इट विल बी कॉल्ड एज अग्रीमेंट, सिंपल। उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद हमने पढ़ा क्या? अग्रीमेंट के बाद हमने पढ़ा बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? एन ऑफर, सॉरी एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी का मीनिंग अभी आपको बताया, लीगल रेमेडी यू हैव अवेलेबल, अगर आपके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल है, यस यू कैन सू अदर पर्सन, आप केस कर सकते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब इम्पोज्ड, इम्पोजिंग ए लॉ, सिंपली वी कैन से इम्पोजिंग ए लॉ, लॉ को इम्पोज करना, कोर्ट केस करना, स्यू करना, दीज आर द टर्म्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। क्लियर? बात समझ आ गया? पहला नंबर अग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अदर वन इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और ये अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी क्या है अभी आपको बताया। एनफोर्सिबिलिटी में आपको क्या चाहिए? अग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी में आपको क्या चाहिए? चाहिए लीगल रेमेडी। एनफोर्सिबिलिटी मतलब वी कैन से लीगल रेमेडी, अगर हमारे पास लीगल रेमेडी है, यस हम उसको एनफोर्स करवा सकते हैं, अगर हमारे पास लीगल रेमेडी नहीं है तो हम उसको एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। क्लियर? तो क्या कहा? अब दोनों मेजर एलिमेंट वी हैव डन, पहला इट्स एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एंड नेक्स्ट वन इज enforceable by law, enforceability by law means legal remedy we have available. Clear? Done? चलिए, first thing is agreement, agreement offer plus acceptance, contract is agreement plus enforceability by law, agreement plus enforceability by law, law कि एनफोर्सिबिलिटी क्या है? आप किसी पर्सन पर केस कर सकते हैं अगर वो उस काम को पूरा नहीं करते। क्या आप मम्मा पे केस कर सकते हैं? मम्मा ने राजमा चावल नहीं बनाए शाम में, तो नेवर। तो ये क्या रहा? अग्रीमेंट। क्लियर? पापा ने कहा बेटा मैं शाम को आपके लिए खिलौने लेकर आऊंगा, ठीक है, आपने पापा से पूछा पापा क्या आप मेरे लिए शाम को एक बढ़िया सा टॉय लेकर आएंगे, ठीक, या मोबाइल लेकर आएंगे, यस, आने पापा ने कहा यस लाऊंगा बेटे, जैसे ही पापा ने कहा यस लाऊंगा वो क्या बन गया बच्चों? अग्रीमेंट। लेकिन अगर पापा नहीं ला पाए किसी भी वजह से, व्हाट एवर द रीजन इज देयर, किसी भी वजह से नहीं ला पाए, तो क्या वो आप पापा पर केस कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये क्या रह गया? ओनली अग्रीमेंट। ये क्या रह गया? केवल अग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ यहां पर नहीं बन पाएगी। Clear? Lots of example I have quoted you. So it will be clear to you now the meaning of contract and agreement. ये क्या क्या होता है? चलिए बात समझते हैं। Agreement is offer plus acceptance. यही होता है? बिल्कुल होता है। Thus we can say, ध्यान समझिएगा, we can say that for an agreement to change in your contract as per the act, act ने जो बताया उसके हिसाब से
किसी भी अग्रीमेंट को चेंज होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में इट मस्ट गिव राइज टू ए लीगल ऑब्लिगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशन अभी मैंने सुना भी है, एनफोर्सिबिलिटी विल बी कॉल्ड एज लीगल ऑब्लिगेशंस। क्लियर, लीगल ऑब्लिगेशन में क्या क्या चीजें आती है? यस, आप पार्टी पर केस कर सकते हैं, आपकी इंटेंशन ऐसी है कि आप केस कर सकते हैं अगर पार्टी कंप्लीट नहीं करती है आपके एक्स प्रपोजल को, तो यस आपको एग्रीमेंट को वो फुलफिल नहीं करती है, तो यस यू हैव ए रेमेडी, यू हैव ए रेमेडी, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो क्या माना जाएगा, अदरवाइज वो वहीं पर रह जाएगा, वो केवल एग्रीमेंट का ही पार्ट हो जाएगा। सो वी कैन से अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये सुन लो, बिल्कुल यही है, सही कह रहे हो और सही समझ रहे हैं। अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यस यस, ऑफर दिया उसको एक्सेप्टेंस दिया, क्या बन गया अग्रीमेंट, उसकी एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हुई, देन इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज ये केवल क्या रह जाएगा बच्चों, आपका ये आपका रह जाएगा ओनली एन अग्रीमेंट। क्लियर, चलिए और एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए अग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर रुपीज 2 लाख टू बी। ए ने बी को क्या बोला, यस, उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया, यस, क्या हो गया, कार सेल करने कितने रुपए में, 2 लाख में, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार सेल करने का अग्रीमेंट कर लिया, यस, इन दैट केस ए क्या है सेलर एंड बी क्या है परचेजर, ए क्या है सेलर एंड बी क्या है परचेजर। इन दैट केस ए ने अग्रीमेंट करा बी के साथ, यस, विल यू परचेज माई कार, यस, बी ने कहा यस। अब जैसे यस कर दिया तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आए होंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, पहले क्या होगा ऑफर, विल यू परचेज माई कार, फिर उन्होंने दिया होगा एक्सेप्टेंस, यस, एक्सेप्टेंस दिया होगा, यस, तब ये क्या बना अग्रीमेंट। क्या इसमें अगर मिस्टर बी बाद में मना कर देते हैं कार को परचेज करने से, तो क्या मिस्टर ए के पास लीगल रेमेडी है, लीगल रेमेडी है, आंसर इज यस, अगर लीगल रेमेडी है तो यस क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। चलिए बात करते हैं, एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर रुपीज 2 लाख टू बी, यस, हियर ए इज एन अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख, सिंपली बात है, ए ने अपनी कार देनी है और बी ने क्या लेना है, बी ने क्या लेना है, कार लेनी है और ए ने कार देनी है, ए ने कार देनी है और पेमेंट लेना है कितना 2 लाख का, है ना, कार तो सर भारी बड़ी कॉस्टली लग रही है, अरे सेकंड हैंड कार होगा ना, इसी के लिए तो 2 लाख में मिल रहा है, ये तो इतनी सस्ती कार थोड़ी ना मिलती है। चलिए तो क्या कह रहे हैं, राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 लाख एंड ऑल्सो बी इज एन ऑब्लिगेशन, बी के पास ऑब्लिगेशन है पे करे 2 लाख रुपीज, यस, दोनों ने किया, यस, इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट, इस चीज को बोला जाता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी पार्टी, इधर ए और बी, कोई भी पार्टी अपने काम को करने से मना कर देती है, मना कर देती है मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, ब्रीच मतलब होता है तोड़ देना, एंड टाइम पर, एक स्टिपुलेटेड टाइम पर, एक निश्चित समय पर ए बी को मना कर देता है कि मैं तो अपनी कार नहीं दूंगा, तो क्या बी के पास ऑप्शन है ए को स्यू करने का, आंसर इज यस, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या अवेलेबल है, लीगल रेमेडी भी है अवेलेबल, अगर लीगल रेमेडी है
देन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज क्या रह जाएगा, अदरवाइज रह जाएगा बच्चों आपका अग्रीमेंट। क्लियर, किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, ध्यान समझिएगा, किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, ध्यान सुनिए, किसी भी अग्रीमेंट को मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये तो चाहिए चाहिए। इस एनफोर्सिबिलिटी लॉ के भी कुछ नियम कानून कुछ कायदे होते होंगे, कुछ नियम कुछ कानून ये सब होते होंगे, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या बातें होनी चाहिए, लीगल रेमेडी में हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्लियर, चलिए बात करते हैं, जल्दी से आइए। छोटी सी बात को समझते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स, वी कैन से एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ध्यान समझिएगा। एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट क्या कहता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हो सकते क्या है, होते ही है बच्चों, बात समझिए, क्या सभी एग्रीमेंट्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। एग्रीमेंट क्या है, एक वाइडर टर्म है, बड़ा टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट नैरोअर टर्म है, क्यों, मैंने कहा विल यू परचेज माय कार, उन्होंने कहा यस, मैंने कहा ऑफर दिया, उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया, क्या बना, अग्रीमेंट। अगर उस अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है तो केवल क्या है, ओनली अग्रीमेंट ही रह जाता है। तो वी कैन से ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यस, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अग्रीमेंट, क्यों, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉल्ड एग्रीमेंट, व्हाई, बिकॉज अगर लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं, अगर एनफोर्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं, तो अग्रीमेंट तक ही लिमिट रह जाएगी, उसके बाद हम आगे नहीं जा पाएंगे। क्लियर, चलिए बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस को पार करना पड़ता है, जैसे आपका सबवे सर्फर, आपका डॉक्टर ड्राइविंग गेम होते हैं ना, जैसे जैसे हम खेलते रहते हैं वो आगे आगे चलते रहता है, ऐसे आपका एग्रीमेंट के कुछ पार्ट हैं, अगर उनको फुलफिल कर देते हैं यस देन इट बिकम्स एन कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज केवल वो एग्रीमेंट ही रह जाता है, ध्यान समझिएगा। All agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract. Free consent of parties competent to contract, lawful consideration, lawful object and not expressly declared to be void. इन सब बातों को धीरे धीरे समझेंगे बच्चों। Free consent मतलब मेरी consent जो ली गई है वो बिल्कुल मेरी इच्छा से ली जानी चाहिए, उस पर मुझे गन नहीं रखा जाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं किया जाना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड फ्री कंसेंट इन सिंपल टर्म। कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, यस, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट मतलब मुझ में इतनी अकल होनी चाहिए, मेरी इतनी एज होनी चाहिए, वो क्या है, सब बातों को पढ़ेंगे, नॉर्मली बता देता हूं, 18 प्लस होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो है जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेना देना मनी का, गिव एंड टेक, वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, बात करेंगे अभी धीरे धीरे क्या होता है लॉफुल, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, यस लॉफुल होना चाहिए, कोकेन्स का बिजनेस नॉट टू बी अलाउड, ब्राउन शुगर का बिजनेस नॉट टू बी अलाउड,
तो ये ऑब्जेक्ट अगर होंगे तो यस वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। चलिए धीरे धीरे कर एक एक पॉइंट्स को हम समझते रहते हैं। सबसे पहला नंबर क्या कहता है, टू पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है क्या? मैंडेटरी का 100% दो पार्टी का होना तो निहायत ही आवश्यक है। क्या मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? मैं खुद से ही कहता हूँ, सपन आज शाम को मूवी चलेगा? मैं खुद से ही पूछ रहा हूँ, सपन क्या आज शाम को मूवी चलोगे? मैं अपने आप से कहता हूँ हाँ मैं चलूंगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? क्या ये अग्रीमेंट भी बन जाएगा? अपने आप से कोई बंदा कैसे चीज को ओके कर सकता है, कैसे वो प्रपोजल दे सकता है, कैसे उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दिया जा सकता है? तो देयर मस्ट बी टू पार्टी, एटलीस्ट टू पार्टी तो होनी चाहिए, तभी वो उनको एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टी। यस, टू पार्टीज में कौन कौन आएगा? एक तरफ बायर, एक तरफ सेलर। सिंपल, अगर हम कोई चीज का गुड्स का खरीदते हैं, सपोज हम मैगी लेने शॉप पर जाते हैं, शॉप पर मैगी लेने ही जाते हैं, तो मैगी देने वाला कोई होना चाहिए और लेने वाले तो हम हैं, तो ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मैगी लेने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है? यस बच्चों होता है। धीरे धीरे समझेंगे कि मैगी लेना भी एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कैसे वो क्लियर होगा, जल्दी समझेंगे, टेंशन नहीं। क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द पार्टी विल मेक द प्रपोजल एंड अदर विल एक्सेप्ट इट। एक पार्टी क्या कहेगी, उसको प्रपोजल देगी, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख, अभी एग्जाम्पल पढ़ा। दूसरी पार्टी कहेगी यस आई विल परचेज योर कार, तो ये क्या हुआ, एक्सेप्टेंस। जैसी एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जैसे हुआ क्या बन गया, अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट के लिए मैंने बताया, अग्रीमेंट के लिए आपको ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो जरूरी ही है, लेकिन उसके बाद, अग्रीमेंट के बाद बच्चों क्या जरूरी है आपको, अग्रीमेंट के बाद एनफोर्सिबिलिटी के लिए भी तो कुछ चाहिए। एनफोर्सिबिलिटी होगी तभी तो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, यस तभी तो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, तभी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप क्या समझेंगे, अग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी मतलब कोर्ट में ले जाना, देन इट विल बी कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, फर्स्ट थिंग इज ओके डन, टू पार्टीज मस्ट बी देयर। यस, बोथ द पार्टीज कोई भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। यस, कंपनी कौन सी हो सकती है, क्या हम रिलायंस कंपनी से कुछ सामान ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या उस कंपनी को हम कोर्ट में केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कोई स्कूल में हम फीस देते हैं? यस, दो पार्टी है, एक साइड इधर दूसरी साइड उधर। क्या अगर बच्चों को वो नहीं पढ़ाते हैं तो क्या हम केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके ऊपर हम कर सकते हैं। एंड नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड वी पीपल आर, लाइक राम, श्याम, मोहन, गणेश, दिनेश, ये सारे क्या है, नेचुरल पीपल, नेचुरल पर्सन है। सबसे पहला, टू पार्टीज मस्ट बी देयर, टू पार्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, अभी बच्चों देखो एग्जाम्पल, केस लो। केस लो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उससे पहले आप चीजों को थोड़ा सा समझ लें, अपने ग्रेस्प कर लें, तब एक्चुअली में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है, इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब आप कोर्ट केस कर सके, आप उसको कोर्ट में ले जा सके, तो ही तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अदरवाइज वो केवल क्या रह जाएगा, अग्रीमेंट रह जाएगा। क्लियर, जैसे इसमें दिया भी हुआ है, पढ़ते हैं ध्यान से। द पार्टीज दैट आर सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, 18+ होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यस, मस्ट हैव क्लियर इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, लीगल रिलेशनशिप। अभी लीगल रिलेशनशिप क्या है, क्या हमारी दोस्त जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे साथ, उनके कोई लीगल रिलेशन होते हैं? आंसर इज नो। उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन होते हैं, सोशल रिलेशन होते हैं। हमारे फ्रेंड ने हमको बोला यार शादी में आना, मैं नहीं जा पाया, तो क्या वो मुझ पर केस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर, 100% नहीं करेंगे। मैंने अपने वाइफ को बोला आज शाम को हम घूमने चलेंगे,
हम घूमने नहीं जा पाए तो क्या मेरी वाइफ मुझ पर केस कर देगी? नो, इट विल बी कॉल्ड एज डोमेस्टिक अग्रीमेंट. टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट आर देयर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कैटेगरी से बच्चों बाहर रखे गए हैं, जिनको यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है. वो कौन कौन से? फर्स्ट इज सोशल अग्रीमेंट एंड अदर इज डोमेस्टिक अग्रीमेंट. सोशल अग्रीमेंट प्लस डोमेस्टिक अग्रीमेंट. सोशल अग्रीमेंट किसके साथ होते हैं? आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इनके साथ हो सकते हैं. डोमेस्टिक अग्रीमेंट आपके घर वालों के साथ हो सकते हैं, आपके वाइफ के साथ हो सकते हैं. यस, ऑल दीज टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, कौन से? सोशल प्लस डोमेस्टिक. इनको आप कोर्ट में एनफोर्सिबिलिटी नहीं अलाउड है, आप इनके एनफोर्सिबिलिटी कोर्ट में नहीं कर सकते हैं. इसलिए ये इनके साथ में कुछ भी काम कहा जाएगा तो वो क्या रहेगा बच्चों? तो वो काम आपका रहेगा क्या? केवल अग्रीमेंट तक ही सीमित रहेगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. बात समझ रहा है? इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज आप पढ़ रहे हैं, आपने पापा ने देखा यार बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत मढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलिए क्या चाहिए बेटा तुझे, बन जाएगा तू प्रोफेशनल, CA CS CMA में कुछ भी. पापा मेरे को ना एक बढ़िया वाली कार चाहिए, न्यू ब्रांड कार, BMW. क्या चाहिए? BMW. ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो अच्छे से, आपको मैं BMW बिल्कुल दिलाऊंगा. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी CA कर लेते हैं, CS कर लेते हैं, CMA कर लेते हैं, मैं आपको BMW जरूर दिलाऊंगा. पापा ने ऐसा कहा. पापा ने ऐसा कहा किसको? बेटा जी को. पापा ने कहा सन ऑब्लिक डॉटर किसको भी. भाई हमारे लिए तो दोनों ही बच्चे हैं ना, सन भी और डॉटर भी, नो प्रॉब्लम. पापा जी ने कहा यस आप CA कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में CA CS CMA कुछ भी कीजिए, मैं आपको क्या दूंगा? एक BMW दूंगा. बच्चे ने बहुत पढ़ाई की. कितना? इतनी पढ़ाई की वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया प्रोफेशनल. ठीक है, अब उसने पापा से कहा, पापा जी मेरी BMW कहाँ है? पापा ने कहा बेटा वो तो है ही नहीं, अब तो आप खुद ही ले लेना, मैं तो आपको नहीं दिला रहा. तो क्या सन ऑब्लिक डॉटर पापा पर केस कर पाएंगे? आंसर इज नो, नेवर. कभी भी केस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कौन से हैं? सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट में वो आते हैं. दैट्स व्हाई वहां पर इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी. वहां पर क्या नहीं थी? इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी. क्लियर? बात समझ आया कि ये क्या क्या होता है? अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए. क्या जो भी आप अग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है कि क्या दिखाया हुआ है. देयर आर लॉट्स ऑफ ऑयल. एक पर्सन जो वो डील करता है बहुत सारे ऑयल्स, ठीक, इतनी सारी बॉटल्स में डील करता है सपोज, और मैं उसको कहता हूँ हेलो मुझे एक बोतल भेज दीजिएगा. मैंने ये नहीं बताया कौन से वाली बोतल भेज दूँ, कौन से वाला ऑयल भेज दूँ. तो यस, ये क्या रह जाएगा? सर्टेनिटी हो जाएगा कि अनसर्टेनिटी हो जाएगा? 100% अनसर्टेनिटी है. सर्टेनिटी तो तभी होगा ना जब सर्टेन होगा कुछ. अगर सर्टेन नहीं है तो कैसे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम उसको बता सकते हैं, कैसे हम उसको फाइनलाइज कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं केवल एक ही ऑयल में डील करता हूँ, मैं कोकोनट ऑयल में ही डील करता हूँ, तो यस तब सर्टेन मीनिंग 100% है. तब वहाँ पर सर्टेनिटी 100% रहेगा, कोई टेंशन नहीं. क्या कह रहे हैं ध्यान सुनिएगा. द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट. यस, अग्रीमेंट जो है सर्टेन और सर्टेनिटी मतलब मीनिंग शुड बी सर्टेन. मीनिंग शुड बी सर्टेन. मीनिंग रहना चाहिए सर्टेन. सर्टेनिटी है तभी
इस काम को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, एग्रीज टू सेल टू बी 100 लीटर्स ऑफ ऑयल, ऑयल देना है कितना 100 लीटर्स, कौन सा ये नहीं बताया, कौन सा दें, तारपिन का दें, तिल का दें, आपका सरसों का तेल दें, कोकोनट का दें, कोई भी नहीं बताया, तो यस तो अग्रीमेंट नहीं हो सकता, मीनिंग नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सर्टेनिटी इज मस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यस परफॉर्मेंस जो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, किस चीज की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने की, मतलब कोई काम ऐसा किया जाना चाहिए जो हो सकता हो, कोई काम ऐसा किया जाना चाहिए जो हो सकता हो, जो हो ही नहीं सकता हो, उस काम को आप कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति को क्या आप जमीन से जगा सकते हैं, क्या आप मरे हुए व्यक्ति को वापस से उठा सकते हैं, आंसर इज नो। ऐसा कोई अग्रीमेंट अगर करें तो क्या उसकी वैलिडिटी होगी, तो क्या आप कोर्ट में उसको लेकर जा पाएंगे, आंसर इज नो, कभी भी कोर्ट में नहीं लेकर जा पाएंगे। तो काम ऐसे होने चाहिए जिनकी पॉसिबिलिटी हो, जिनको हम कंप्लीट कर पाए, उन्हीं की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, उन्हीं बातों को ओके करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं क्या, अन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल, अगर कोई इम्पॉसिबल है जो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बच्चों, दूर दूर तक जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं, तो क्या वो एनफोर्स हो सकता है, बिल्कुल एनफोर्स नहीं हो सकता। जैसे अभी आपको बताया, मरे हुए पर्सन को जगाना, यस मैं उसे उठा देता हूं, क्या उठ सकता है, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या आप खजाना लेकर आ सकते हैं जादू से, एकदम ऐसे एक सेकंड रुकना सर, क्या बोलते हैं, खुल जाओ सिमसिम, एकदम से आपके सामने एक सिमसिम खुल जाएगा, एक गेट खुल जाएगा और आप बहुत सारा खजाना, बहुत सारा ट्रेजर लेकर आ जाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो यस आप कैसे उस चीज को एनफोर्स करा पाएंगे, यस इसलिए इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। तो एग्जाम्पल ने क्या कहा, एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, मैजिक से ट्रेजर लेने के लिए वो क्या करता है, अग्रीमेंट करता है, तो यस क्या ये एनफोर्स किया जा सकता है, क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जा सकते हैं, बताइए, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। जब बिल्कुल नहीं ले जा सकते तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं। क्लियर। अभी आप लोगों को बच्चों आज मैं थोड़े इतने ही पॉइंट पढ़ा रहा हूं और इतना ही मैं आपको अभी रिवाइज भी करा रहा हूं, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आए कि हम क्या करना चाहेंगे, कैसे कैसे इन चीजों को क्लियर करेंगे। चलिए एक बार दोबारा से जो हम लोग पढ़े हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, और ईच एंड एवरी क्लास बच्चों हमारा सिस्टम क्या रहेगा मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। हर क्लास में जो भी टॉपिक्स हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पहले उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे के पोर्शन पर चलेंगे। फिर जैसे सेकेंड क्लास हुआ तो उस क्लास में आपको फर्स्ट क्लास का हम लोग रिवाइज करेंगे, अगर थर्ड क्लास हुआ, थर्ड क्लास में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्लास का रिवाइज, देन सेकेंड क्लास का रिवाइज, बहुत जल्दी विद इन 5-10 मिनट्स जल्दी से कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे। फोर्थ क्लास में क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों क्लासेस का हम रिवाइज करेंगे और आगे चलेंगे। तो ऐसे क्या होगा बच्चों, जब तक लास्ट क्लास खत्म होगी तो आप पहले से लेकर और लास्ट तक का पोर्शन कई बार आप पढ़ चुके होंगे, सो आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं, आपको दिमाग पर ज्यादा प्रेशर देने का नीड नहीं। क्लियर। तो आप केवल थोड़ा थोड़ा ही पढ़िएगा, जितना जितना हम पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग की क्लासेस आपको थोड़ा सा इनहेल करने में समय लगता है, बिकॉज इट्स ए न्यू सब्जेक्ट, लो आप लोगों ने कभी भी पढ़ा नहीं है तो थोड़ा समय लगता है बच्चों, एक बार समझेंगे तो यस हम अपना स्पीड उस हिसाब से बढ़ा देंगे। ओके चलिए एक बार बात करते हैं फिर से, जो हमने आज टॉपिक्स किया था उसको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, क्या करें। फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात किया था, यस एप्लीकेबिलिटी कब आया था, 1 सितंबर 1872। मैंने बताया था ये कहां से आया है, ब्रिटिशर्स से आया है, ब्रिटिश लॉ से कॉपीड है। क्लियर।
कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या बताया था, सेक्शन 2H, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अभी अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट भी आपको बताया था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या है, रणवीर सिंह ने दीपिका से कहा, विल यू गो विद मी फॉर वॉचिंग द मूवी इन द इवनिंग, दीपिका सेड यस, जैसे ही यस, इट वॉज एन एक्सेप्टेंस। क्लियर, इट वॉज एन एक्सेप्टेंस, जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ वो क्या हुआ, ये सारा एग्जाम्पल, जैसी एक्सेप्टेंस हुआ वो क्या हुआ, यस ये आपका अग्रीमेंट हुआ। क्या इस अग्रीमेंट को कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, एनफोर्सिबिलिटी हो सकती है, अगर एनफोर्सिबिलिटी हो सकती है तो ये आपका है कॉन्ट्रैक्ट, अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन वॉज, स्टूडेंट ने टीचर से कहा, मुझसे कहा, सर क्या आप मेरी सक्सेस पार्टी अटेंड करेंगे, मैंने कहा यस बिल्कुल करेंगे, और मैं नहीं आ पाया, तो क्या स्टूडेंट मेरे पर केस कर देंगे, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ये किस टाइप के अग्रीमेंट है, सोशल ऑब्लिक डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स इट इज कॉल्ड, सोशल अग्रीमेंट्स कहते हैं, डोमेस्टिक केवल रिश्तेदारों घर के वालों के साथ होते हैं, बाकी जिनके साथ भी किए जाते हैं वो सारे के सारे हमारे सोशल अग्रीमेंट्स क्या। अब अग्रीमेंट क्लियर, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्लियर, अग्रीमेंट क्या, जिनको एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, अग्रीमेंट की एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। जितनी भी डेफिनेशन है सब क्लियर हो जाएंगी, पहले पॉइंट्स को समझ लीजिए बस, उसके बाद हम एक एक चीज को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। क्या कहते हैं, अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, डन। We can say an agreement to change into contract. Yes, legal obligation होना चाहिए, yes, legality होनी चाहिए, legality के लिए हम लोगों ने कुछ points पढ़े, yes, उससे पहले पढ़ा कि yes, एक कार को सेल करने के लिए हमने contract किया, क्या हम इसमें केस कर सकते हैं, अगर कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर सकती है, 100% केस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अलाउड है, तब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये 100% कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाए फटाफट, क्या कह रहे थे हम, एजेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, छोटी छोटी बात है कि यस, किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए टू पार्टीज मस्ट बी देयर, दो पार्टी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट वॉज, इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन इज देयर, लीगल ऑब्लिगेशन के ऊपर एग्जांपल भी दिया था, पापा ने बच्चे को बोला यस सीए करो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सीएस करो, सीएमए करो फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं आपको बीएमडब्ल्यू गिफ्ट करूंगा, पापा ने बाद में बीएमडब्ल्यू देने से मना कर दिया, तो क्या बच्चा पापा के ऊपर केस कर सकता है, आंसर इज नो, नेवर, कभी भी केस नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की है, किसी दूसरे पर्सन पर केस करने की है, उसके स्यू करने की है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट कहा था, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मस्ट बी देयर, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, बिल्कुल सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या है, कोई पर्सन बहुत सारे ऑयल में डील करता है तो हम उससे बोलते हैं हमें ये ऑयल भेज दो, क्या वो भेज पाएगा, बिल्कुल नहीं भेज पाएगा, अगर भेज भी देगा तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं होगा, क्योंकि हम तो मांग रहे थे कुछ, उन्होंने भेज दिया कुछ और, तो यस, तो ऐसा सर्टेनिटी अवेलेबल नहीं। क्लियर, अगर वो केवल एक ही टाइप के ऑयल में डील करता है तो यस इट विल बी कॉल्ड सर्टेनिटी। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, होना जरूरी है, पॉसिबिलिटी इज मैंडेटरी, बहुत ही आवश्यक है कि पॉसिबिलिटी हो पाए। कह रहे कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है अगर वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो क्या हम उसको एनफोर्स करवा सकते हैं, बिल्कुल हम उसको एनफोर्स नहीं करा सकते हैं 100%। तो ये वाले एक्ट कैसे कहे जाएंगे, बिल्कुल आपके एग्रीमेंट तक ही रह जाएंगे, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था, यस मुर्दे को हम जीवित नहीं कर सकते, टेथर से हम मैजिक नहीं ला सकते। क्लियर, तो बच्चों इतना ही आप पढ़िएगा, जितना आपको पढ़ाया जितना समझाया उतना ही समझने का प्रयास किएगा, और एक बार रीड कर लीजिएगा, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।